हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे रेगुलर वीडियो आपको दे सकूं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल्स के कुछ रूल्स पढ़े थे। हमने आर्टिकल्स का ए और एन का यूज़ देख लिया था, इनडेफिनेट आर्टिकल के यूज हमने पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा उनमें से 5 लोगों को मिलेंगी नॉर्मन लेविस की वर्ल्ड पावर मेड इजी बुक। दोस्तों, ये क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड होगा, ये हमारी फर्स्ट वीडियो का भी हो सकता है और ये जो अभी आप देख रहे हो सेकेंड वीडियो, इसका भी हो सकता है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, आप यहाँ पर क्लिक करके हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे अपने YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल है। अगर हमें किसी चीज या व्यक्ति को डेफिनेट बनाना है, सर्टेन बनाना है या निश्चित करना है, तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट रूल, डेफिनेट पर्सन और थिंग, उनके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ब्लैंक है, बॉय इन द कॉर्नर इज माय ब्रदर। अब बॉय लड़के की बात हो रही है तो इसके साथ ए भी लग सकता है और द भी लग सकता है, बट जो यहाँ पे लड़का है उसको हमने डेफिनेट कर दिया है, सर्टेन कर दिया है, किसी खास लड़के की बात हो रही है। कौन सा लड़का? इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में है, लड़का जो कॉर्नर में, यानी इसको स्पेशल कर दिया, हम स्पेशल किसी बॉय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉय से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो इसका सेंटेंस बनेगा द बॉय इन द कॉर्नर, लड़का जो कॉर्नर में है इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो हम खास लड़के की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने आर्टिकल द का यूज किया। एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पे ब्लैंक है, हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। अब यहाँ पे घर की बात हो रही है तो यहाँ पे ए भी लग सकता है और द भी, लेकिन जो घर है वो हम किसी स्पेशल घर की बात करें, खास हाउस की बात कर रहे हैं। कौन सा हाउस? इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ, मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं रहता हूँ। तो इसको पार्टिकुलर कर दिया, इसको डेफिनेट बना दिया। तो यहाँ पे हाउस से पहले हम द का यूज करेंगे क्योंकि हम किसी खास घर की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे। तो द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, घर जिसमें मैं रहता हूँ वो नया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट रूल। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रूल दिया हुआ है, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑलरेडी मेंशनड और नॉन पर्सन और थिंग, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं या पहले से उसके बारे में कुछ मेंशन किया हुआ है, जब उसकी बात करते हैं तो उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वंस, फिर ब्लैंक है, मैन। अब यहाँ पे जो मैन है ये पहली बार आया है, इसको हम नहीं जानते, तो पहली बार आया है तो हमारे लिए अननोन है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए का। वंस ए मैन वॉज गोइंग, एक बार एक आदमी जा रहा था, थ्रो, फिर ब्लैंक है, फॉरेस्ट, जंगल से। तो यहाँ पे फॉरेस्ट, किसी स्पेशल जंगल की बात नहीं हो रही, हमें नहीं पता किस जंगल में जा रहा था, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे क्योंकि पहली बार इनकी बात हुई है। तो वंस ए मैन वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक बार एक आदमी किसी जंगल से जा रहा था, फिर आगे है ब्लैंक फॉरेस्ट। अब यहाँ पे फॉरेस्ट को पहले मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा फॉरेस्ट की बात हुई है, तो हमें पता है किस फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। द फॉरेस्ट वॉज थिक, जो जंगल था वो कैसा था? घना जंगल था। अब यहाँ पे ब्लैंक है, मैन सा, फिर ब्लैंक लोइन। अब मैन है तो मैन की बात पहले हो चुकी है, तो ये नॉन हो गया, पहले से मेंशन किया जा चुका है, तो यहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। द मैन सा, फिर ब्लैंक लायन, तो यहाँ पे जो शेर है, इस पहले तो इसका कोई मेंशन हुआ ही नहीं, पहली बार आया है, तो इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। द मैन सा ए लायन इन, फिर फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट हमें पता है पहले भी मेंशन है, तो द का यूज करेंगे, इन द फॉरेस्ट। द मैन सा
ए लायन इन द फॉरेस्ट, आदमी ने जंगल में एक शेर देखा। अब यहाँ पे लायन शेर का फिर से जिक्र है, तो फिर से अगर इसकी चर्चा है तो हम द का यूज़ करेंगे। द लायन वॉज सिटिंग अंडर ट्री, किसी खास पेड़ की बात नहीं हो रही, पहली बार आया है तो इससे पहले ट्री से पहले हम ए का यूज करेंगे। द लायन वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, फिर ट्री वॉज वेरी बिग, तो ये जो पेड़ है ये कैसा था, बड़ा था, तो दोबारा से पेड़ की बात आई है तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे। तो द ट्री वॉज वेरी बिग, जो पेड़ था वो बहुत बड़ा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की पहली बार अगर कोई चर्चा होती है तो हम ए का यूज़ करते हैं, और अगर उसकी फिर से उसी व्यक्ति या वस्तु की चर्चा होती है तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी इज बेस्ट गर्ल ऑफ आर क्लास, वो हमारी क्लास की सबसे अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं है, दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा सी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ आर क्लास, तो यहाँ बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ही इज मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ आर विलेज, वो हमारे विलेज का सबसे सुंदर लड़का है, तो यहाँ पे मोस्ट हैंडसम, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ आर विलेज, तो मोस्ट से पहले जो सुपरलेटिव डिग्री है हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन सम केसेज। देखिए फ्रेंड्स, जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब वो केस कौन कौन से हैं वो देखिए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है हायर यू गो कूलर इट इज। अब यहाँ पे जब सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो, यस, जब सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो हायर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस की स्टार्टिंग है, तो हायर से पहले हम द का यूज करेंगे। हायर यू गो यानी जितना ऊंचा आप जाओगे, कूलर इट इज उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा, तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है इसकी स्टार्टिंग भी कूलर, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी हम द का यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितनी ज़्यादा आप ऊपर की ओर जाओगे उतनी ही ज़्यादा ठंडा होगा, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दो बार दी हुई है तो इन दोनों से पहले हमने द का यूज किया है। जब सेंटेंस की बिगिनिंग कंपैरेटिव डिग्री से हो तो उससे पहले हमें द का यूज करना है। चलिए और देख लेते हैं। अब यहाँ पे और केस क्या होता है, जब कंपैरेटिव डिग्री में चॉइस की बात हो, दो में से एक की चॉइस हो, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है सी इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर, तो दो बहनों में अच्छी है, तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, ऑफ द टू से जब कंपेरिजन किया जाए तो उससे पहले जो कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उससे पहले हम द का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो रूल दिए हुए हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत कंपेरेटिव डिग्री से होती है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, और दूसरा रूल है कि जब कंपेरिजन ऑफ द टू से हो, देन की बजाय ऑफ द टू हो, और उससे पहले कंपेरेटिव डिग्री हो तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड होल एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ यूज विद प्लूरल नाउन। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव सेम या होल का यूज हो तो इनसे तो पहले आर्टिकल द का यूज होता है, और अगर एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ का यूज हो तो इनके बाद आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन ऑल और बोथ के बाद जो नाउन है वो कैसे होने चाहिए, प्लूरल नाउन। आप एग्जाम्पल देखें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है दिस इज
द सेम बुक दैट आई गेव यू, तो यहाँ पे सेम का यूज है, तो सेम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू, ये वही बुक है जो मैंने आपको दी थी, तो यहाँ सेम से पहले हमें द का यूज करना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द होल क्लास इज प्रेजेंट टूडे, आज पूरी क्लास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होल से पहले हमें द का यूज करना है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ऑल का, तो ऑल द स्टूडेंट्स वर अब्सेंट, सभी स्टूडेंट अब्सेंट थे, तो यहाँ पे ऑल और इसके बाद प्लूरल नाउन दी हुई है, तो प्लूरल नाउन से पहले हमें द का यूज करना है, यानी ऑल का यूज हो तो उसके बाद द का यूज होगा, होल या सेम का यूज हो तो उससे पहले द का यूज करना है। चलिए एक एग्जाम्पल बोथ का दिया हुआ है, बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, दोनों लड़के इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे बोथ का यूज है, इसके बाद प्लूरल नाउन बॉयज है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जब सेम और होल का यूज हो तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करना है, ऑल या बोथ का यूज हो और इनके बाद प्लूरल नाउन हो तो ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल द का यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट एक्सप्रेसेस ए क्लास ऑफ पर्संस, जब कोई एडजेक्टिव लोगों की पूरी क्लास को एक्सप्रेस करता है, पूरे वर्ग या समुदाय को एक्सप्रेस करता है, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, और उसका यूज एज ए प्लूरल नाउन की तरह होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, अब यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है, तो ये जो अमीर लोग हैं सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी को एक्सप्रेस कर रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, तो यहाँ पे जो पुअर है ये भी सभी गरीब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अब जो द रिच है ये प्लूरल नाउन माना जाएगा यहाँ पे, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज है एक्सप्लॉइट का, अगर सिंगुलर होता है तो एक्सप्लॉइट्स होता, एस का यूज हो जाता। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, द यंग शुड रिस्पेक्ट द ओल्ड, जो यंग है उनको, जो ओल्ड हैं वृद्ध हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे यंग है ये सभी जो यूथ है उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे पहले द का यूज हुआ है, और यहाँ पे जो ओल्ड है वृद्ध है वो सभी जो वृद्ध लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनसे पहले भी द का यूज हुआ है। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे द इंटेलिजेंट, द गुड, द बैड, द ऑनेस्ट, तो यहाँ द इंटेलिजेंट का मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो सभी, द गुड का मतलब अच्छे लोग, द बैड मतलब बुरे लोग, और द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, इसी तरह द ब्लाइंड्स अंधे लोग, तो इसी तरह अगर एडजेक्टिव का यूज हो और वो पूरी क्लास को डिनोट करता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं और वो हम एज ए प्लूरल नाउन उससे ट्रीट करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, बिफोर द केस इन अपोजिशन, नाउन का केस इन अपोजिशन क्या होता है, कोई नाउन हो और उसके साथ ही कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है जो उसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसी की विशेषता बताता है, उसी को क्वालिफाई करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अशोका द ग्रेट, तो यहाँ पे अशोका और यहाँ पे जो ग्रेट है वो भी अशोका के लिए ही आया है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। जैसे नेपोलियन द वॉरियर, तो यहाँ पे नेपोलियन है इसी के लिए आया है, वॉरियर यानी योद्धा, ये इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। द ग्रेट अकबर, तो यहाँ पे जो अपोजिशन है वो उस नाउन से पहले भी हो सकती है या बाद में भी, तो हमें उसके साथ आर्टिकल द का यूज करना है। यहाँ पे द ग्रेट है वो अकबर से पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, अकबर के बारे में। तो जब केस इन अपोजिशन हो तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हु कैन अंडरएस्टिमेट मिस्टर वाजपेयी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे मिस्टर वाजपेयी है उन्हीं के बारे में है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर वाजपेयी, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पे हमने इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, बिफोर द ऑर्डिनल्स, जो ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ऑर्डिनल्स यानी जो ऑर्डर को शो करते हैं, क्रम को दर्शाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डिनल्स, तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं।
और जो 1, 2, 3, 4 होते हैं ये होते हैं कार्डिनल्स। तो इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते, बट जो ऑर्डिनल्स है ऑर्डर को शो करते हैं, क्रम को शो करते हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर यानी इस बुक का जो पहला चैप्टर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल है, कर्म को शो करा है पहला, कौन सा चैप्टर, पहला। तो यहाँ पे फर्स्ट से पहले हम द का यूज़ करेंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट से पहले हमने द का यूज किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल दिया फॉर द नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो राष्ट्रीयता या नागरिकता शो करते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, बट लैंग्वेज के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है द इंडियंस, यानी इंडियंस ये नागरिकता शो कर रहा है, नेशनलिटी शो कर रहा है, राष्ट्रीयता शो कर रहा है। द इंडियंस, द एशियंस, द इटालियंस, द जैपनीज, द चाइनीज, द रशियंस, द फ्रेंच। तो जो नेशनलिटी शो करते हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश से पहले द का यूज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, बट लैंग्वेज से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश बोलने वाले लोग। तो यहाँ द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो जो सेकंड इंग्लिश है ये लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जो इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश पीपल हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इंग्लिश पीपल है ये नेशनलिटी शो कर रहा है, इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है, बट जो सेकेंड यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है ये लैंग्वेज है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ही नीड्स ए हाफ के जी राइस। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, इसमें क्या मिस्टेक है वो फाइंड आउट करके, इसको करेक्ट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिसका आंसर करेक्ट होगा उनमें से 5 लोगों को मिलेगी नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर मेड इजी बुक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जो बचे हुए जो रूल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस टॉपिक की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।